साल सो पार को प्रमोट करने आए विनय पाठक, रजत कपूर और एक्टर आनंद तिवारी। और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ये तीनों आए एक स्पेशल सवारी में। और आते ही विनय ने अपनी कॉमेडी शुरू कर दी। अरे मेरे दोस्तों वापस लाइव इंडिया के दो रुपए मेरे पास। और अब आते हैं ऐसे सवाल पे जो बार बार हमें डरा रहा है। देखिए आपके सवाल से पहले ही पसीने छूट रहे हैं मेरे। इतना अनूठा सवाल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। स्टार्ट तो कर लूं मैं, मीटर तो मेरा डाउन हो गया है। अबे मैं गायक हूँ, मैं गाऊंगा तो आपकी टीआरपी गिर जाएगी भाई। जैसे ही मैंने शिव का बाजी डमरू बोला, कट करके फटाक से गाना लगा दो। कौन सा वाला? जिसकी सीडी अभी मैं तुम्हें देने वाला। और अभी और ज्यादा फक्र होगा अगर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो। आप लोग जरा धक्का दे तो थोड़ा प्लीज। अलग ही सीन करते हैं कि आप कह क्या रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो में घूमने वाले प्यार नहीं करते, कुछ और करते हैं। वेल ये तो कोई सरप्राइज नहीं। वैसे यहाँ विनय ने फिल्म के थीम के बारे में बताया। हर प्यार जो है वो प्यार ही होता है, उसको करने का तरीके अलग अलग होते हैं। हमने जो फिल्म बनाई है ये इश्क के बारे में, ये मोहब्बत के बारे में, और उससे ज्यादा इश्क और मोहब्बत करने की तमीज के बारे में। यहाँ इस फिल्म के अलावा एक और टॉपिक भी रहा, विनय का फेवरेट, और वो था बिहारी फूड। लिट्टी चोखा हमारे मेन्यू का एक हिस्सा हुआ करता था रोजाना। रामदाना के लड्डू और तिलकुट तिल के और सिलाव का खाजा, और ये सारी चीजें हमने बहुत आनंद के साथ सेवन किया। बस बस विनय, जरा अपने वजन का तो ख्याल कीजिए। खैर यहाँ कुछ सिंपल सवालों पर भी छूट गए विनय के पसीने। और अब आते हैं ऐसे सवाल पे जो बार बार हमें डरा रहा है। देखिए आपके सवाल से पहले पसीने छूट रहे हैं मेरे। और आपने इतना अहम सवाल किया कि मेरा किरदार क्या है। इतना अनूठा सवाल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। और जब किसी रिपोर्टर ने विनय से फिल्म का गाना गाने की रिक्वेस्ट की तो विनय ने तो ऑफेंस ही ले लिया। अबे मैं गायक हूँ, मैं गाऊंगा तो आपकी टीआरपी गिर जाएगी भाई। जैसे ही मैंने शिव का बाजी डमरू बोला, कट करके फटाक से वो गाना लगा दो। कौन सा वाला? जिसकी सीडी अभी मैं तुम्हें देने वाला। वाह विनय, आप तो मीडिया को टिप्स भी देने लगे। और जाते जाते जब उनकी ये स्पेशल ऑटो रिक्शा सवारी कुछ नखरे करने लगी तो उन्होंने लगे हाथ मीडिया से धक्का लगाने की अपील भी कर डाली। आप खुद ही देख लीजिए। और अभी और ज्यादा फक्र होगा अगर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो। आप लोग जरा धक्का दे तो थोड़ा प्लीज। वेल तो ये था जो डूबा सो पार का फन फिल्म प्रमोशन। उम्मीद है फिल्म में विनय का यही अंदाज ऑडियंस को खूब हंसाएगा। ZING 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 GO ZING